नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे करंट अफेयर के किरण पब्लिकेशन के बहुत ही शानदार बुक का। दोस्तों हम रिव्यू करेंगे और ये वार्षिकांक है, मतलब ईयरली करंट अफेयर का बुक है 2023 का। और इस बुक के अंदर जून 2023 तक के अप टू डेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अप्रैल 2022 से लेकर जून 2023, मतलब एक साल से ज़्यादा, 14 महीने का करंट अफेयर इस बुक के अंदर कवर किया गया दोस्तों। और ये बुक में आपको SSC परीक्षा के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, और साथ में आपको मेमोरी सार्पण आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के टॉपिक होते हैं उनको कवर किया जाता है बहुत ही शानदार तरीके से। बहुत ही अच्छा बुक है दोस्तों, ठीक है। तो इस बुक को ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का ये बुक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, केवल MRP 60 रुपए है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस बुक में आपको टोटल 128 पेज आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बुक के कंटेंट को देखते हैं। तो बुक का कंटेंट देखने से पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि इस बुक में आपको करंट अफेयर वन लाइनर, साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक को डिटेल में कवर किया गया है। और जून 2023 तक इस बुक में आपको अप टू डेटेड जानकारी देखने को मिलने वाला है। ईयरली करंट अफेयर का ये बुक है दोस्तों। MCQ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, और MCQ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर SSC के भी देखने को मिलने वाले हैं। अब SSC के जो भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उनको कवर किया गया और बताया गया कि कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है CHSL और स्टेनोग्राफर के एग्जाम का ये टॉपिक है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि जो नेशनल इवेंट होते हैं, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्ति स्थान पुरस्कार सम्मान से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खेलकूद से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औसतन आप दोस्तों देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारा कुछ यहाँ बताया गया है। साथ में यहाँ दोस्तों बताया गया है जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होते हैं, CGL के, Tier 1 के, Tier 2 के, उनको कवर किया गया है यहाँ पे, और बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। तो इस हिसाब से आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर किया गया है, जिसमें भारत का संसद भवन। तो यहाँ विषय सूची को देख लेते हैं। तो विषय सूची में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, विषय सूची में सबसे पहले भारत का नया संसद भवन, भारत इंडियन प्रीमियर लीग, IPL 2023, नई विदेश नीति, व्यापार नीति, केंद्रीय बजट 2023-24, केंद्रीय बजट 2023-24 ऑब्जेक्टिव, आर्थिक सर्वेक्षण उसका ऑब्जेक्टिव, थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव, 74वां गणतंत्र दिवस थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर करंट अफेयर 15 महीने का, करंट अफेयर MCQ 15 महीने का, उसके बाद SSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं के में करंट अफेयर के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न, ठीक है। अब दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों भारत का नया संसद भवन को कवर किया गया, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी पॉइंट है वो बताया गया, पूरा थ्योरी फॉर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। और उसके बाद IPL को कवर किया गया, इंडियन प्रीमियर लीग के हर एक पॉइंट को कवर किया गया, अभी तक के ट्रॉफी को कवर किया गया कि कौन कब जीता, किसको हराया, सारा कुछ है, किसने सर्वाधिक छक्के चौके मारे या जो भी IPL में रिकॉर्ड बने उनको कवर किया गया है। पूरा IPL 2023 को कवर किया गया है। भारत की नई विदेश नीति को कवर किया गया है, सारा कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ बताया गया है। उसके बाद केंद्रीय बजट को कवर किया गया है। इसके बाद केंद्रीय बजट से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण को कवर किया गया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 74वां गणतंत्र दिवस आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो वन लाइनर करंट अफेयर देखने को मिलेगा, 15 महीने का करंट अफेयर देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेमोरी सार्पण आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मेमोरी सार्पण हो गया, मेमोरी सार्पण, उसके बाद दोस्तों यहाँ देखने को मिलेगा आपको सारा कुछ है, आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं ना वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर वन लाइनर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। जैसे मेमोरी शार्पनर में बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं इनका रिवीजन के लिए इन्होंने दिया हुआ यहाँ पे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको फिलहाल कम से कम आप रिवाइज कर लें, ठीक है। अगर पूरा नहीं पढ़ना चाहते तो इसको कम से कम आप देख लें। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पूछा गया किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी, तो कोलकाता मेट्रो, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो कवर किए जाते हैं इसमें। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे मेमोरी शार्पनर में काफी कुछ आपको पूरा जो करंट अफेयर है वो कवर किया गया है। राष्ट्रीय में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि यहां से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। मेन आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से कवर किया होना चाहिए आपका। उसके बाद अगर हम दोस्तों देखें यहाँ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी आपको देखने को मिल जाएगा, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ टॉपिक वाइज आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा।
अंतर्राष्ट्रीय नहीं भी देखते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट राष्ट्रीय से बहुत पूछे जाते हैं। आर्थिकी आपको देखने को मिलेगा, आर्थिकी के बाद आप देख सकते हैं मेमोरी शार्पनर पर सभी जगह कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय हो, आर्थिकी हो, राष्ट्रीय हो, सारा कुछ। खेलकूद आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद, ठीक है। खेलकूद के बाद आपको देखने को मिलेगा खेलकूद उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है। पूरा 15 महीने के करंट अफेयर को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। आप आराम से करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इस बुक को आप परचेज कीजिए। उसके बाद आपको करंट अफेयर एमसीक्यू देखने को मिलेगा, एमसीक्यू की भी बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलने वाला है। पूरे 15 महीने के करंट अफेयर के एमसीक्यू को कवर किया गया, जिसमें राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय करंट अफेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर हो गया, राष्ट्रीय करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चन मैं बता दूं लगभग 140 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। 140 क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर की, उसके बाद आंसर राष्ट्रीय। यहाँ भी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 से 140 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आर्थिकी, आर्थिकी में थोड़ा कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट यहाँ दिख रहा है मुझे 100 से ज़्यादा। तो आर्थिकी भी राष्ट्रीय घटनाक्रम आ जाते हैं, यहाँ 125 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर व्यक्ति, स्थान, पुरस्कार, सम्मान, यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के आपको यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ 140 से कम क्वेश्चन तो नहीं होगा, 140 क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी 140 क्वेश्चन है मतलब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइंस और टेक आपको देखने को मिलने वाला है, तो साइंस और टेक के भी अच्छे खासे क्वेश्चन होने चाहिए, 65 क्वेश्चन है। खेलकूद उसके बाद अगला टॉपिक कवर किया गया है, तो खेलकूद में कुल मिला के मैं बता दूँ यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद मिसलेनियस आपको देखने को मिलेगा, मिसलेनियस में 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद एसएससी द्वारा आयोजित जो करंट परीक्षा हुआ है उसके करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से तैयार कर सकते हैं दोस्तों, बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको आखिरी में देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सारे टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, और 128 पेज आपको देखने को मिलेगा। तो इस बुक को दोस्तों लिख सकते हैं, 60 रुपये एमआरपी है, और इस बुक का कोड आप दोस्तों देख लीजिएगा 4314, इस बुक का कोड देख के ही आप परचेस कीजिएगा इस बुक को। बुक दोस्तों काफी बेहतरीन है, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, और बुक दोस्तों अच्छा है, ठीक है ना। वीडियो दोस्तों अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।